हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं बन्ना आपको इस वीडियो में गाजर की हलवा का रेसिपी देने जा रही हूं। फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप इसको शेयर भी करिएगा। सबसे पहले हम गाजर लेंगे, गाजर को उसको हम छील लेंगे, उसके बाद उसको धो के कद्दूकस करेंगे। उसके बाद हम एक पैन लेंगे और पैन में जो कद्दूकस किया हुआ गाजर है उसको डालेंगे। उसको तब तक भूनेंगे जब तक उसका जो पानी वो सूख ना जाए। आप देख सकते हो मेरा जो गाजर है वो उसका पानी जो है सूख गया। अब हम इसमें दूध डालेंगे। हम दूध डालकर तब तक पकाएंगे जब तक ये दूध 75% सूख ना जाए, तब तक इसको हम पकाएंगे। अब हम इसमें कंडेंस मिल्क डालेंगे। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप मावा भी डाल सकते हैं। मेरे यहाँ मावा नहीं मिलता इसलिए मैं कंडेंस मिल्क का यूज़ कर रही हूँ। अब हम इसमें इलायची डालेंगे। इलायची हम फ्लेवर के लिए डालते हैं। इलायची तब तक अब हम इसमें आलमंड्स डालेंगे और काजू डालकर बहुत देर तक इसको भूनेंगे, तब तक इसका पूरा दूध और कंडेंस मिल्क जो है वो सूख ना जाए। तब तक सूखने के बाद हम इसमें देसी घी डालेंगे। मैंने पतंजलि का देसी घी यूज़ किया है। आपके पास अदर्स कोई भी देसी घी हो तो आप यूज़ कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारा गाजर का हलवा बनके तैयार हो गया। कितना टेस्टी है, खाने में कितना टेस्टी होगा। आप अब इसे सर्व कर सकते हैं गरम गरम।